एक रोज पहले मैंने गठिया के विषय में बताया था और गठिये के बारे में आज फिर दोबारा बता रहा हूँ ये भारत के बुजुर्गों माताओं और बहनों और एक व्यक्ति कहते मुझे गठिया है मैंने आपको बताया था एक ही बात हमारे पांच सलनसर हैं चौबीस घंटे ये काम करते हैं जैसे बड़ी आंत है हमारे गुर्दे हैं हमारी चमड़ी है हमारे फेफड़े और लीवर है मेरे देशवासियों जो तेल मैंने बताया था ये गठिया जिसमें सनलाइट में खड़ा हूँ सूर्य की रोशनी में खड़ा हूँ अगर यह सूर, सूर्य की रोशनी आपके खेत में ना हो तो एक दाना नहीं पैदा हो सकता कोई भी पेड़ पौधा है उसके कभी फल नहीं लग सकता आपके घर में गाय भैंस बेड़ बकरी है वो प्रजनन नहीं कर सकती सूर्य के किरणों के बारे में कह रहा हूं संसार के अंदर जितने भी पवन चक्की तरह तरह के बैटरी सूर्य चार्ज कर देता है या गाड़ी सूर्य के उससे चलती है और मानो और भी ज्यादा दिन रात इसके ऊपर क्या कर रहा है? खोज कर रहा है और आगे आने वाले समय में जैसे कोयला समाप्त हो गया भारत से डीजल के ऊंचे दाम है इस तरह की बातों को देख करके हमें तो काफ़ी दुख होता है आने वाले वैज्ञानिक इसको अच्छी तरह से क्या करेंगे कैसे करेंगे सूर्य के सारे सारे ही सभी साधन अच्छी तरह से चलेंगे परंतु आपके शरीर को भी चला देगा और इस तरह चला देगा कि आपका शरीर भी क्या हो जाएगा स्वस्थ हो जाएगा और गठिया तो मैं ये कहता हूँ अपने जीवन में जो आदमी मेरी बातों को मान लेता है अच्छी तरह से वो क्या हो जाता है समाप्त तो हो जाता है ज़रा इस सूर्य देवता को देखो और अच्छी तरह समझो जो आपकी गाड़ी को चला सकते हैं आप पवन चक्की चला सकता है बिजली बना सकता है और अच्छी तरह से हम इसका प्रयोग करें तो ये सफल प्रयोग है मेरे पास एक खिलाड़ी है पंडित रामू कर बेटा मेरे पास एक खिलाड़ी है और वो कहता है नाजी मेरा तो बदन दर्द कहता है मेरे दादा शरी ताया शरी या चाचा शरी आज की बहू बेटियां जो ऐसी का आनंद लेती हैं उनको मैं कहता हूँ फ्रिज का आनंद लेते हैं कभी इस सूर्य देवता का भी आनंद ले लो दुनिया में सबसे बड़ा देवता है या तो तुम्हारे माता पिता या सूर्य देवता है मान ली इसके जोड़ों में दर्द होता है इसके पेट में गैस बनती है इसको अफारा है गठिया है और ये मेरी एक छोटी साधन है मैं आपको करके दिखाता हूँ आज आपका टेम्परेचर कितना है चालीस डिग्री सेल्सियस इस तरह से मैं क्या करता हूँ इसे सूर्य की तरफ अच्छी तरह से करता हूँ और करने के बाद आपतित किरण बराबर है परावर्तित किरण इस बच्चे के चेहरे पर डालता हूँ यह कहता है मेरे पैरों के घुटनों में दर्द है देखो ये परछाई को देखो फिर कहते मेरे जोड़ों के अंदर दर्द है मेरे दादा श्री कहते मेरे तो घुटले जाम हो गए और मेरी माता ही कहती हैं और कहते है, मेरे अच्छी तरह टांगे काम नहीं करती घुटने काम नहीं करते और ऐसा क्या होता है बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं मेरे तो दोनों पैर खड़े हो गए और माताएं कहती हैं भाई मेरी तो जो डिस है ना डिस एल टू एल थ्री फोर फाइव में दर्द है मैं देखो यहाँ पर इसकी एल थ्री एल फोर एल फाइव पर मैं क्या डाल रहा हूँ सूर्य की किरणें डाल रहा हूँ फिर कहते हैं, मेरे तो कंधे जाम हो गए ज़रा देखिए अब कंधों के ऊपर मैं सेक रहा हूँ और कहते मेरे तो कंधे जाम हो गए और मैं परेशान हूँ अब इसके सिर के ऊपर डाल रहा हूँ और सिर के ऊपर अच्छी तरह सूर्य किरने जाते हैं हमारे शरीर के अंदर ऐसा सेकने से धूप में दौड़ने से जितना यूरिया यूरिक एसिड या कैरेटीन है वो अच्छी तरह से निकल जाता है हमारे खून के अंदर जितनी नाइट्रोजन है जितने कार्बन है जितने नमक है आइड्रोजन है यूरिया है कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह सेकने से हमारे शरीर से निकल जाती है लोग कहते हैं मेरे तो गुर्दे खराब हैं भाई साहब मैं पिछली तरफ से ठीक है एल थ्री एल फोर एल फाइव यहां पर अच्छी तरह काय डालता हूं उसी वक्त रक्त संचार गुर्दों में अच्छी तरह से हो जाता है थोड़ा ऊपर में परछाई डालता हूं हमारे फेफड़ों में रक्त संचार ठीक हो जाता है ये बात किसलिए बता रहा हूं मैं आप देखिए आदमी के तीन दोष हैं नंबर एक है वात है वात का मतलब होता है हवा आवा क्या हो जाती है निकल जाती है कफ क्या है कफ का मतलब होता है खकार और खकार के बारे में मैं आपको क्या कहूंगा जैसे घी को हम धूम में डाल दें तो पिंगल जाएगा ये स्थिति कफ की है और खकार की है उस खकार को हम अच्छी तरह से धूम में डालते हैं सेकते हैं तो पिंगल के बिल्कुल पतला हो जाएगा और पित्त है पित्त भी एक दोष है खून के अंदर गर्मी है और खून साफ़ करने के लिए इस धरती के अंदर सूर्य की किरणें सबसे उत्तम है और गठिये की क्या हिम्मत है वात को पित्त को कफ को तीनों को शांत कर देती है सूर्य की किरणें अरे माफ़ करना सूर्य के अंदर जैसे आपके खेत के अंदर क्या है जामुन है आम है अनार है या तरह तरह के हजारों पेड़ पौधे हैं अगर उनको हम सनलाइट और विटामिन डी या प्रोटीन कैल्शियम फास्फोरस ये सभी चीज़ें देंगे तो मेरे देशवासियों आपका घुटनों गु, का दर्द कैसे रहेगा दूसरी बात पहले भी मैंने बताई थी धूप में पानी रखो एक बड़ा तासला लो और उस उसला किसका हो चदर वाला हो और उसमें पानी डाल दो पानी डालने के बाद उसके पर एक चुन्नी रख दो मैं गठे वालों को दोबारा दोहरा रहा हूं मिट्टी के बर्तन में दाल सब्जी हो और धूप का रखा हुआ पानी उसके अंदर दाल सब्जी में डाला हो नंबर दो आटा गूंदते हैं धूप के पानी में गूंदे और जो माता है ये कहती मर गई चीज मारती हैं सिर में दर्द है बदन में दर्द है मेरे कंधे तो मैं ऐसा भी नहीं हो सकता पीछे देखूं, बाएं देखूं, ऊपर देखूं। डॉक्टर ने कह रखा है आराम करो। ए, बोली माता, सुनिए, डॉक्टर ने तो अपनी दवाई बेचनी है आपको असली एनर्जी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी आपके शरीर में जो गंदगी है वो बाहर निकालेगी सूर्य अच्छी तरह से का को तीनों को शांत करेगा आप स्वस्थ रहेंगे आगे भविष्य में ये नहीं कहे मुझे गठिया जिससे मैं कहता हूँ विटामिन डी मिलती हो प्रोटीन मिलता हो कैल्शियम मिलता हो कार्बोहाइड्रेट मिलता हो आपके कद को बढ़ा दें आपके घर में आपका पोता आपका दोता या आपका बेटा है जो कमजोर है मैं उनको चैलेंज करता हूं आज से उन्हें धूप का पानी पिलाना शुरू कर दो बच्चा क्या हो जाएगा सबस हो जाएगा अरे छोटा सा बीज मैं किसका बताऊ पीपल का और किसका बताऊ बड़ का बहुत छोटे बीज होते हैं उनका आ, आकार देख ले तो आप अरे आंद्र जाएंगे मेरे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े बर्ड और पीपल हैं देख कर हो जाएंगे आप कितना पानी डालो कितना खाद डालो या और कोई भी दवाई डालो जब तक उस बीज के ऊपर सूर्य देवसा के दर्शन नहीं होंगे और बीज अंकुरित नहीं होगा मैं बोली माताओं को क्या बताता हूँ गांव-गांव में जाता हूं, उन्हें समझाता हूं, ए से दूर और फ्रिज से का पानी पीने के लिए ना हो मजबूर आज के बाद घर में ए का प्रयोग ना करें फ्रिज का प्रयोग ना करें आपने पता होगा ये जो जहर हैं दुनिया के जहर हैं और गंदी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड फेंकती माफ़ करना तो अच्छी तरह से ये प्रयोग करें तो क्लोरो फ्लोरो ये गैसें आपको परेशान करेंगी आपके रक्त सेल की कोशिकाएं चाहे वाइट हो चाहे रेड हो उनको ख़त्म करेंगे आपको आलिस बना देंगे ज़रा सुनिए अगर मान लीजिए आप धूम में काम कर रहे हैं आपकी सब बारिक से बारिक नाड़ी तंत्र काम कर रहा है उसको एक बार अंदर बिठा के ठंडा पानी पिला दोगे शरीर की सभी क्रिया क्या हो जाती हैं रुक जाती हैं रक्त संचार नहीं होता और गंदगी जो निकल रही होती है वो बंद हो जाती है तो मेरे देशवासियों मौत आनी है जरूर उसे बुलाओ नहीं तो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रकृति की गोद में आओ जैसे मेरी देश की माताएं हैं जिनको गठिया है। मैं उनको कहता हूं ऐसी तेज धूप के अंदर जूते निकाल करके सूर्य का विटामिन डी वाला जो पानी पी करके धूप में चलना शुरू कर दो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका गठिया जरूर चले जाएगा मैं कोई व्यायाम नहीं कर रहा अब आपके सामने मेरे सारे शरीर में पसीना आ गया है पसीने में आपको पता है हमारी गंदी चीज़ें हमारी चमड़ी के द्वारा बाहर निकलती हैं मैं कहता हूँ जिनके नाम लिए हैं यूरिया है यूरिक एसिड है नमक है नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है धूप में खड़े होने से बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाती है पसीनों के रूप में किसी भी वैज्ञानिक से पूछो पसीने में कितनी चीज़ होती हैं उन्नीस चीज़ें होती हैं जो सारी विषैली होती हैं हमारे शरीर में रहेंगी हमारी इम्यूनिटी को कम करेंगी हमारी आयु को कम करेंगी और हम क्या हो जाएंगे परेशान हो जाएंगे बीमार हो जाएंगे गठिये के लिए गर्म पानी पीना बहुत जरूरी है आपके चरणों में मैं मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञान तारा प्रार्थना करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं प्रणाम परनाम दिल नहीं चाहता कि मैं इस प्रोग्राम को बंद करूं अगर आपके खेत में सूर्य की धूप ना जाए तो कोई चीज पैदा नहीं हो सकती जैसे परमाणु है परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो ऐसी क्रिया करते हैं खेत के अंदर पल भर में हरा भरा बना देते हैं गर्मी में देखिए कोई भी बीज है उसमें पानी डालिए परंतु ऊपर वाले की धूप नहीं डली तो वो नहीं उगेंगे न विकास करेंगे आप भी विकास नहीं कर सकते इसके बारे में कहूँगा तो सनलाइट है जहाँ, वहाँ पर हर एक व्यक्ति का जीना है जिस देश के अंदर माइनस 120 डिग्री सेल्सियस माइनस 140 डिग्री सेल्सियस और माइनस एक सौ साठ डिग्री सेल्सियस हिंदुस्तान में तो नहीं विदेश में होता है उनके चमड़ी का रंग भी क्या हो जाता है खत्म हो जाता है और वो लोग क्या कहते हैं मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ है। कहते हैं गुड मॉर्निंग मैंने इस गुड मॉर्निंग का नहीं पता लगा अच्छी धूप होती है तब कहते हैं गुड मॉर्निंग उनकी गुड मॉर्निंग तो कुछ समय के लिए होती है हमारी गुड मॉर्निंग सुबह से शाम तक होती है और धूप अच्छी होती है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं प्रणाम परनाम प्रणाम